हेलो दोस्तों, आज सुबह सुबह जो है दूध जो है गर्म किया, तो गर्मी बहुत हो पड़ रही है, तो गर्मी की वजह से आज सुबह सुबह का जो दूध था ना वो फट गया। तो आज दूध फट गया तो मैंने सोचा इसका क्या किया जाए, तो मैंने उसकी सब्जी बना ली और सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अगर आपके साथ भी कभी ये हादसा हो जाए ना, तो आप इसको इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार ये सब्जी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। तो ये देखिए, दूध मैंने गर्म किया और दूध फट गया। तो ये लगभग आधा लीटर दूध था मेरा जो फट गया है। तो उसको हमने इस तरीके से ठंडा कर लिया है हमने। और अब मैंने यहाँ दो प्याज ले ली है और तीन हरी मिर्च ले ली है और एक टमाटर ले लिया है। तो दो प्याज और हरी मिर्च और टमाटर सभी को हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में अक्सर ही कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दूध फट जाता है और उस दूध को हम फेंक देते हैं। तो आप फेंकने की जगह ये सब्जी ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी थी और बहुत अच्छी बनती है सब्जी तो ये वाली। और सबसे ख़ास बात यह है कि अब बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें कोई ज़्यादा मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो दो प्याज को हम रफली मतलब बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आपको बारीक बारीक कट करना है, बड़ी साइज़ का नहीं कट करना है। और यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब यहाँ हम टमाटर को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ एक ही टमाटर लिया है। और तीन हरी मिर्च ली है, तीन हरी मिर्च को भी बारीक बारीक हमें चॉप कर लेना है। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो मिर्ची एक ही डाल सकते हैं। और अब यहाँ लहसुन, मैंने 10 जवा लहसुन लिया है, इसको भी हम छील लेंगे अच्छे से। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसको ग्राइंडर में हम लहसुन और अदरक को हम इस तरीके से ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लेंगे। बस इतना ही काम आपको करना है। और अब कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और अब कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है लगभग 1 चम्मच। और अब इसमें 1 छोटा चम्मच हम जीरा डाल देंगे। जीरा जब हमारा चटक जाएगा तो इसमें हम प्याज जो हमने चॉप किया था ना, उस प्याज को हम सारी डाल देंगे और प्याज और हरी मिर्च को साथ में डाल देंगे। और हल्का रेड ब्राउनिश होने तक इसको हमें भूनना है। और जब प्याज का कलर हमारा चेंज हो जाएगा ना, तब हम इसमें जो है और बाकी चीज़ें डालेंगे। तो ये देखिए, ये पनीर जो मतलब ये दूध जो सॉरी फट गया था, इसके जो पानी होता है ना, पानी जो अलग हो जाता है, तो पानी को हम छान लेंगे, अलग कर लेंगे। और अब प्याज हमारी कलर हमारे प्याज का चेंज हो गया है, तो इसमें हम जो हमने टमाटर बारीक काटा था ना उसको डाल देंगे। और अब इसको थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। जब प्याज हमारी गल जाएगी उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाया था ना उसको डाल देंगे। और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आपको डालना है। और जो हमने पानी अलग किया था ना दूध का जो फट गया था, उसको इसमें थोड़ा सा डालेंगे। और जब हमारा मसाला तेल छोड़ने लगेगा ना, तब हम इसमें जो हमारा फटे हुए दूध का मिक्सचर जो हमने अलग किया है ना उसको हम डाल देंगे। और डालकर अच्छे से इसको हमें चला लेना है। और अब सबसे लास्ट में इसमें हम डालेंगे नमक। और जो पानी अलग किया था ना दूध जो फट गया, तो उसके पानी को भी फेंकेंगे नहीं, वो भी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। और हमारी सब्जी तैयार हो गई। इसको हम लगभग 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद जब तक सब्जी हमारी हो रही है, तब तक हम आटा लगा लेते हैं रोटी के लिए। तो यहाँ मैंने लगभग 2 कप आटा ले लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक डालने से आपकी रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम रोटी का आटा लगाएंगे। और रोटी का आटा लगाएंगे और इसको गूंथ लेंगे। और आप भी रोटी जब बनाइए तो इसमें अगर आप हल्का सा नमक डालेंगे तो आपकी रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और अब आटा हमने लगा लिया है, तो आटे को हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे ये सेट हो जाए। और उसके बाद 5 मिनट बाद वापस से हल्का सा इसको गूंथेंगे
और घुटने के बाद इसकी हम रोटी बनाएंगे। तो आज मैं मोटी मोटी रोटी बनाने वाली हूँ। जब भी आप पनीर की सब्जी और कोई भी सब्जी बना, मतलब पनीर की सब्जी जब आप बनाते हैं या दूध की सब्जी बनाते हैं या दही की सब्जी जब बनाते हैं ना, तो आप इसको रोटी के साथ ही खाया करिए। बहुत अमेजिंग सा टेस्ट आता है रोटी के साथ इसका, रोटी के साथ बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। और अब हम इसको जो है बेलेंगे। तो हमने आटे में से थोड़ा सा लोई का आटा तोड़ लिया है। तो यहाँ हम बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाएंगे, मतलब मोटी रोटी बनाएंगे, तो इसलिए हम बड़ी बड़ी चकली का लेंगे। तो यहाँ मैंने अपने चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है और इस तरीके से हम राउंड घुमाते हुए इसको चकली बना लेंगे। इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और रोटी जैसे आप नॉर्मली रोटी बनाते हैं उसी तरीके से आपको रोटी बनानी है। बस थोड़ा सा इसको मोटा रखना है, पतला नहीं करना है। तो क्योंकि हम मोटी रोटी बना रहे हैं तो इसे मैं इसको थोड़ा सा मोटा ही रख रही हूँ। और अब तवा हमारा गर्म हो चुका है तो इस पर हम रोटी को डाल देंगे और उलट पलट कर इस तरीके से सेक लेंगे। और तवे पर ही रोटी बनाएंगे। तो मम्मी जो है ना ऐसे तवे पर ही रोटी बनाती हैं, आजकल तो हम लोग इसको गैस पर सेकते हैं। तो तवे पर ही इसको हम फुलाएंगे इस तरीके से कपड़े की सहायता से, ये देखिए। और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी रोटी बनती है। और रोटी यहाँ हमारी बन गई। तो इसी तरीके से हम सारी रोटियाँ सेक लेंगे और इसमें हम जब हम इसको परोसेंगे ना खाने को, तो हम इसमें हम घी लगाएंगे या बटर भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ सारी रोटियाँ देखिए इस तरीके से मैंने बना ली है, लगभग 7-8 रोटियाँ मैंने बनाई है। और अब हम अपनी थाली को सर्व करेंगे। तो सब्जी भी यहाँ हमारी तैयार हो गई। तो देखिए कितनी तेल छोड़ी है सब्जी ने, क्योंकि ये दूध जो है बहुत ही ज़्यादा मलाई वाला था और ये फट गया था, तो इसमें से तेल बहुत ज़्यादा निकला है घी। और सब्जी बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनी है यकीन। और अब यहाँ हम अपनी थाली को सर्व करेंगे। तो यहाँ मैंने थाली ले ली और एक प्लेट लिया है और अब इसमें हम सब्जी को निकालेंगे। तो सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनी, मतलब इसकी खुशबू जो है ना बहुत ही अच्छी आ रही है। आप भी कभी ज़रूर प्लीज़ ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है। और बनाने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यकीनन मैं कह सकती हूँ कि आपको ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी, मतलब आप पनीर की सब्ज़ी भूल जाएंगे इसके सामने, इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है। और कोई भी मसाला ज़्यादा नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। और अब रोटी पर हम जो है घी थोड़ा सा लगा लेंगे, आप बटर भी लगा सकते हैं। और घी में हमने रोटी लगा ली है, थोड़ा सा प्याज ले लिया है, आप इसके साथ दही भी सर्व कर सकते हैं। और जो है हमने अपनी थाली को लगा दिया है, अब हम थाली को सर्व करेंगे। तो हमारी थाली यहाँ रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनी है और थाली को देखकर आपको लालच लग रही होगी। और यहाँ मैंने एक निवाला तोड़ लिया है और इस पर सब्जी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, अब एक निवाला तोड़ कर इसमें डिप कर लेंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि ये देखने में ही अच्छी है या खाने में भी अच्छी बनी है। तो ये तो टेस्ट ही करके पता चलेगा। तो ये मेरे मुँह में गया और वाह, बहुत अमेजिंग सब्जी बनी, ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।